और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी 10:15 बजे जो है हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे। थोड़ा सा वार्ता के लिए समय लिया था, कई बार कुछ चीजें जो है वो समय से नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है, जुड़ने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। और मैंने आज आमंत्रित किया है हमारे बहुत परम मित्र श्री वारिंदर सिंह जी को भी, जो भोपाल से हैं। देखिए वो भी अगर समय से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार किसी क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कमी होती है या कोई और भी रीजन होता है, कुछ नहीं देखते हैं कि क्या होता है, और बढ़िया प्रयास करने का कोशिश की गई है और सब को एक मंच पे एकत्र करने के लिए कोशिश की गई है। अमित तेवतिया जी आपका स्वागत है, दीपक आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग भैया। जी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमित तेवतिया जी। तो सुबह बता रहे थे गौरव भैया आप सबके बारे में। जी भैया एक चीज का कमी है जी, आपका पपीता कप। जी नीरज क्या बोल रहे थे आप? आपका कॉफी का कप नहीं दिख रहा है भैया। नहीं आज एनर्जी पूरी है, कोई थकान नहीं है। आज हम सब एकत्र हुए हैं हमारे देश के महानायक डॉक्टर ललित के भनोट जी के जन्मदिन के अवसर पर, और हम सब उन्हीं के बारे में जानते हैं और उन्हें उनकी कार्यशैली को भी जानते हैं। वर्तमान में आप प्रेसिडेंट हैं साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के, और आप चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, आप चेयरमैन हैं सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो इतनी महान हस्ती के साथ में हमें आज हमारी अच्छी रही तो अवश्य प्राप्त होगा, 10:15 बजे का समय उनको दे रखा है, और हमारे माननीय प्रेसिडेंट महोदय भी जो है उसी समय उपस्थित होंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर जरूरत नहीं होती है तो आप अपना माइक को बंद कर लीजिए। नमस्कार। संजय राय जी जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मैं रतन सिंह पटना से बोल रहा हूँ, एथलेटिक्स कोच। जी रतन सिंह जी कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा आयोजन के लिए। अभी नीरज हमको मैसेज किया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बस हम तुरंत ज्वाइन कीजिए। जी 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 नीरज में बहुत एनर्जी है, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है एथलेटिक्स के फील्ड में। मैं बहुत लंबे समय से नीरज को जानता हूँ, नीरज ने मेरे साथ भी काफी काम किया है, और आने वाले समय में नीरज बहुत अच्छा काम करेगा। मृत्युंजय जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। Thank you.
पंकज जी आपका स्वागत है। देवतिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई साहब गुड मॉर्निंग। दस बज के 15 मिनट पर हमारे अध्यक्ष महोदय उपस्थित हो जाएंगे। The Bluetooth device is reading to tell. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is reading to tell. साथियों मैं आप सभी को एक जिला एथलेटिक संघ का जो वर्तमान में गतिविधि चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हम मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बने इसके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कोई भी सरकारी व्यवस्था या कार्यक्रम बहुत आसानी से नहीं होता है। साथियों मैं 2 मिनट लूंगा, चूंकि मैं अध्यक्ष महोदय को ज्वाइन कराना चाह रहा हूं, तो एक मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिएगा।
तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, माफी चाहता हूँ कि बीच में मेरी वार्ता थोड़ा सा रुक गई थी, मेरे अध्यक्ष महोदय का फोन आ गया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिला एथलेटिक संघ मेरठ, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बने इस संबंध में एक बहुत अभियान चलाए हुए है, जिसमें हमने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान और मिस कॉल अलर्ट के माध्यम से अपनी भागीदारी को मजबूत करने से और राजनीतिक स्तर पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस मुहिम को छेड़ रखा है। उपस्थित साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दें, मुहिम को सही मुकाम तक पहुंचा सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि खेल विश्वविद्यालय जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और उसका फायदा आने वाले समय में समस्त जनमानस को होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, क्योंकि मेरठ एक ऐसी जगह है जो सब तरफ से सेंटर प्लेस है। हमारे यहाँ से सोनीपत की दूरी 60 किलोमीटर, दिल्ली की दूरी 60 किलोमीटर और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण जिले हैं जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन वर्ड मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि खिलाड़ी बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और इतनी आसानी से कोई भी खिलाड़ी तैयार नहीं होता है, चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित हो। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से ये अपील भी करना चाहूंगा कि आप जिला एथलेटिक संघ की जो ये मुहिम खेल विश्वविद्यालय से संबंधित है, आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारे बीच में नमन भारद्वाज जी भी उपस्थित हैं, जो कि एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है खेल के क्षेत्र में। आप भी अपने माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में भी इनका एक वेबिनार चल रहा है। सौभाग्य से मैं भी कभी कभी उसका सदस्य बन जाता हूं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, खेल को चलाने में कोई भी संस्था हो उसमें सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होती है और खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण एक इस तरीके का एक व्यक्तित्व होता है कि जो आसानी से मिलता नहीं है। खिलाड़ी बनाना और खिलाड़ी के रूप में अपने जीवन को जीना ये बहुत संघर्ष में एक कड़ी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई भी व्यवस्था जिसमें खेल और खिलाड़ी की बात होती है, आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हमारी जो स्थिति है वो मजबूत होने की दिशा में एक सार्थक कार्य इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम कर रही है, वो खेलों को बढ़ाने का बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री आशुतोष भल्ला जी पधार रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे अध्यक्ष श्री आशुतोष भल्ला जी ने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष भल्ला जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन करूंगा सर आप पाए फटा दे। ये तो पानी बिना साथियों आशा है कि आप मेरी जो बात है उस पर अपना ध्यान अवश्य केंद्रित करेंगे, अपना सहयोग अवश्य देंगे। हमारे बीच में दुखी जी भी आ चुके हैं जो कि बहुत ही टेक्निकली साउंड हैं और गुजरात से हैं आप, और आप अक्सर राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनको अवश्य देखते होंगे कि जहां पर
डीएम का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस का, वहां पर मोहम्मद लीजिए हमारे बीच में उपस्थित अवश्य होते हैं। आज इस मंच थैंक यू सर, थैंक यू, पानी भर ले, बहुत बहुत सराहनीय है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। और आज हमारा जो उद्देश्य था कि हम लोग इस मंच पर एकत्रित हों, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सफल दिशा में बढ़ रहा है। डॉक्टर ललित के भनोट एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, एथलेटिक्स के फील्ड में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। जब हम लोग खेलते थे तब से लेकर और आज 2020 तक एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी हस्ती, बड़ा मुकाम उन्होंने पाया है। उनके मार्गदर्शन में हिंदुस्तान की एथलेटिक्स ने बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त किया है। उनके दिशा निर्देशन में एथलेटिक्स ने और एथलीट्स ने विश्व में अपना एक स्थान बनाया है, चाहे वो अंजू बॉबी जॉर्ज के रूप में हो, जो अब वर्तमान की एथलीट्स हैं उनके रूप में हो। अरे जा यार, तो एक बहुत बड़ा एक जिसको ऊंचाइयां कहते हैं उनके मार्गदर्शन में हमारे एथलीट्स ने और एथलेटिक्स ने प्राप्त किया है। वर्तमान में आपने साउथ एशियन एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाल रखा है और साउथ एशियन एथलेटिक्स को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, COVID-19 के समय में भी आपने ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी ताकत का एक एहसास करा दिया है, चाहे वो टेक्निकल ऑफिशियल्स के रूप, चाहे वो टेक्निकल ऑफिशियल्स के रूप में हो, चाहे वो स्टार्टर के रूप में हो, चाहे वो अनाउंसर के रूप में हो, चाहे वो कोचेस का प्रोग्राम हो, चाहे वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो, आपने वर्तमान में इतने प्रकार के प्रोग्राम्स को शुरू कर रखा है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अगले अलग पहचान की बनाता है। आप मार्गदर्शन में हिंदुस्तान ने पिछले एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल जीतकर विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इतना आसान नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करना, परंतु आपके दिशा निर्देश में, आपकी गाइडलाइंस के अनुसार देश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनाने का कार्य किया है। आप सभी से कि इस महान हस्ती को हमेशा हम अपने दिल में बसा कर रखें, अपने हृदय में इनको संजोतित करके रखें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इनसे मार्गदर्शित हो, इनके कार्यशैली से मार्गदर्शित हो। मैं जहां तक अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात आपसे शेयर करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बड़े लंबे समय सर के सानिध्य में काम किया है। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आप जब भी इनसे मिलोगे तभी भी ये एथलेटिक्स के बारे में ही सोचते हैं, एथलेटिक्स के बारे में बात करते हैं, एथलेटिक्स ही इनके इनके विचारों में भी एथलेटिक्स है। तो इतनी महान हस्ती हमारे इस खेल से जुड़ी हुई है, ये हमारे खेल का और हम सब लोगों का है, हम लोगों के ऊपर कि इतनी महान हस्ती हमारे मध्य में आज है और उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हम सबकी के लिए। आपने एक विजन शुरू किया कि खिलाड़ियों को जिला स्तर से ही जोड़ा, उसके लिए नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसी एक बड़ी जो कि पिछले अनेकों वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और इसमें लगभग 500 जिले से ज्यादा जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे देश में लगभग 700-750 के करीब में जिले हैं, 500 प्लस जिलों ने इस बार सीधा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में भाग लिया।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। प्रत्येक जिले से 13 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और अब ये समझ लीजिए कि आप कि कितना खिलाड़ी वहां पर गया होगा। हर जिले से दो टेक्निकल दो ऑफिशियल्स होते हैं, एक मैनेजर और एक कोच। कितनी वहां पर संख्या में खेल से जुड़े हुए लोग और खिलाड़ी उपस्थित रहे होंगे ये आप सिर्फ आंकड़ों के रूप में ही समझ सकते हैं। होती है 7-8 हजार लोगों को एक जगह व्यवस्थित रूप से रखना और प्रतियोगिताओं को सुचारू रूप से कार्य करना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खेलों का अगर कोई महाकुंभ है तो वो नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट है। मेरे विचार में अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 800 हम लोग अगर इस बात को रखें तो निश्चित तौर पर वहां पर भी इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, शायद हिंदुस्तान का नाम उस लिस्ट में भी शामिल हो जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से कहूंगा कि एथलेटिक्स के लिए संपूर्ण रूप से ईमानदारी मेहनत के साथ में आप खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है हिंदुस्तान में कार्ल लुईस आए, बॉब बीमन आए, सॉरी माइकल जॉनसन आए, सर्गेई बुबका आए, इतने बड़े खिलाड़ियों को इस लाने का काम आपके दिशा निर्देश बहुत मुश्किल होता है। इतने बड़े खिलाड़ियों को एक भारत जैसे देश में लाकर और अपने देश के खिलाड़ियों को जनमानस को मोटिवेट करने का कार्य किया गया हो, आज से लगभग 25-30 साल पहले, तो आप सोच कर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए उन्होंने दिलवाई कि हम ऐसे खिलाड़ियों से मिल सकें और उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख सकें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने प्राप्त करी। जहां तक मैंने उनको महसूस किया है, हर समय एथलीट और एथलेटिक्स के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं। जब भी कोई एथलेटिक्स से संबंधित या किसी एथलीट की कोई समस्या हुई तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे सुना और उसको उसका समाधान करने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि उनके कार्यकाल में, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव भी रहे हैं, कभी किसी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ होगा। जूनियर्स के कैंप, राष्ट्रीय कैंप 90s के दौर से लगातार चलते हुए आए, सीनियर्स के कैंप लगातार चलते हुए आए, जो कि सरकार से मिलकर ही आप इतने बड़े आयोजनों को कर सकते हैं। आप देशन में लगातार पूरे 12 के 12 महीने राष्ट्रीय कैंप चलते हैं जिसमें एथलीट आराम से बेहतरीन सुविधाओं के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व के साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया, उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे डॉक्टर ललित के भनोट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें तरीके से मार्गदर्शित किया कि आज हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर खेल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अशोक सैनी जी हमारे बीच, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अगर इस संबंध में कोई दो शब्द कहना चाहते हैं तो मनोज सर के लिए कहने की कृपा करें। अपना माइक खोल लीजिए सैनी साहब। सैनी साहब आपका माइक खोल लीजिए प्लीज। सभी को नमस्कार, जितने भी लोग उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में। जहाँ तक मैं ललित बन्नो जी को जानता हूँ, जब से मैंने एथलेटिक्स शुरू किया है 1982 से, तब से लेके मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने हमें बताया उसके कारण ही हम आज इतने ऊंचाइयों तक पहुँच सके हैं।
ललित भन्नौट जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनु भाई का बहुत धन्यवाद। सर नेट की प्रॉब्लम है सर, नेट प्रॉब्लम है। हमारे बीच में श्री वारिंदर उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में माध्यम से सभी लोगों को प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप हमारे वरिष्ठ टेक्निकल ऑफिशियल हैं, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हैं और अनाउंसर हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई श्री वारिंदर सिंह जी से कि आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार सभी मंच पर उपस्थित सदस्यों के साथ में शेयर करने की कृपा करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। जी सर। एक बहुत ही बढ़िया आयोजन जो आज एक प्रयास किया गया है अनु के माध्यम से, एक ऐसी महान शख्सियत का जिसकी सोच, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सोच प्रारंभ होती है, ऐसी शख्सियत है डॉक्टर ललित भानोट जी, और आज उनका जन्मदिन है। निश्चित रूप से खेलों के आयोजन में, खासकर यदि एथलेटिक्स को देखा जाए, तो एथलेटिक्स में उनका योगदान वाकई उस स्तर तक है जहां तक कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। यदि आज विश्व के अंदर भारत का, अपने हिंदुस्तान का परचम यदि एथलेटिक्स में लहरा रहा है, फहरा रहा है, तो उसका श्रेय ललित भानोट जी को जाता है और उसके साथ उनकी पूरी टीम जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में उनके साथ लगी हुई है। और निश्चित रूप से उनका एक चयन जो है कि किस व्यक्ति को किस रूप में कहाँ पर कैसे लगाना है, वही एक बहुत बड़ी बात है जिसके कारण जो हमारा एथलेटिक्स का ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। एक बात जो मेरे लिए कभी भी ना भूलने वाली है, रांची में नेशनल गेम्स संपन्न हुए थे, उस समय मीटिंग के दौरान कुछ इस तरह के वाकयात वहां पर डिस्कस किए गए थे, जिसमें से एक डॉक्टर ललित भानोट जी की बात मुझे आज तक याद है और हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। उन्होंने वहां पर ऑफिशियल जितने भी रेफरी और जजेस से उनसे पूछा था कि भाई तुमने ये फलाना फलाना इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो व्यक्ति आए हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, और जजेस और ऑफिशियल कोई भी उसका परफॉर्मेंस नहीं बता पाए थे। डॉक्टर ललित भानोट जी जो केवल गैलरी में बैठकर, केवल डिस्प्ले के ऊपर देखकर ऑब्जर्वेशन था और वो उनके दिमाग के अंदर वो अपने मेमोरी में नोट करते जा रहे थे, और उन्होंने उस टाइम पर उन खिलाड़ियों के जो परफॉर्मेंस थे वो उस मीटिंग में खुद जुबानी सुनाकर सबको बताया था। तो निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत हम लोगों के बीच है जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि उनका जीवन मंगलमय रहे और इसी तरह वे हमारे बीच हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वे दीर्घायु हों और अपना मैक्सिमम जिस तरह से सभी लोगों को साथ जोड़कर चलने का वो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में एथलेटिक्स विश्व पर बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। मेरी आपको आपके जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप दीर्घायु हों और इसी तरह हम लोगों के बीच आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वारिंदर भाई साहब, आपने जिस प्रकार से इस मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को भानोट सर के बारे में जानकारी दी वो बहुत ही सराहनीय है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में श्री नितिन आर्य जी भी उपस्थित हैं और जिनका एक लंबा समय हमारे भानोट सर के साथ में और अभी वर्तमान में भी वो कार्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है नितिन आर्य जी से, यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप श्री नितिन आर्य जी।
जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने बोलने का मौका दिया और मैं आपके प्रयास सराहनीय प्रयास को बड़ा अच्छा मानता हूँ कि आप इस तरीके से डॉक्टर ललित भनोट जी जो एथलेटिक्स इंडिया में इस तरीके से एथलेटिक्स के लिए जन्मदाता हैं, जिन्होंने एथलेटिक्स को बढ़ाया है, उनका हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा, कृपया आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कि श्री अनिष्का श्री मिस अनिष्का श्री से कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर के संबंध में जो आपने एक छोटी सी कविता तैयार करी है को पेश करने की कृपा करें। अनिष्का श्री करो स्टार्ट करो। एथलेटिक्स है एक बच्चा और आप है इसके बागवान, एक पौधा रोपा और भारत की इस बगिया को दिलाई दुनिया में नई पहचान, दुनिया की खुशियां आपको मिल जाए, अपनों से मिलकर आपका मन खिल जाए। आपके बर्थडे पर हम फूल आपकी बगिया के करते हैं ये दुआ, एक कृपा निदान, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिष्का श्री, आपने जिस तरीके से अपने विचारों के माध्यम से पेश किया उसके लिए आपको धन्यवाद। तुमने रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ। जो बैठ जाए इसी जगह डॉक्टर ललित भनोट जी के बारे में बताना चाहूंगा कि साउथ एशियन एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट हैं आप, प्लानिंग कमीशन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन प्रिपरेशन कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, we'll be right back।
जी 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ नमन जी, आप क्या आवाज़ जी? सभी उपस्थित लोगों को मेरी ओर से नमस्कार, और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके नेतृत्व में हमें उपस्थित होने का अवसर मिला इस प्रोग्राम में, और डॉक्टर ललित जी को मेरी ओर से पूर्ण एसपीओ परिवार से। जो एसपीओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को, युवाओं को खेल के प्रति बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं डॉक्टर ललित जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और माननीय हमारे जो अनु कुमार भाई साहब हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और खेल विश्वविद्यालय से संबंधित मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि मेरी और पूर्ण एसपीओ परिवार की ओर से आपको पूर्ण रूप से सहयोग है। जिस तरह से आप 24 घंटे कभी भी किसी भी तरह के सहयोग के लिए हमें कहेंगे, हम तैयार हैं। खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनना चाहिए, ये हमारी भी मांग है, और आप इसके लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे अतुल्य है, ये अतुल्य कार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और आप सभी को सुनकर के मुझे जो है एक सकारात्मक रूप में जो है चीजों को सुनने का मौका मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी, अगर आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि और कोई सदस्य इस संबंध में कोई अपने शब्दों को रखना चाहते हैं इस मंच पर। जी हेलो जी, गौरव त्यागी जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा माइक को पास कर लें। जी भैया। भैया राम राम। भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं आज श्री डॉक्टर ललित कुमार भनोट जी के जो जन्मदिवस पर आज हमारे मेरठ एथलेटिक फेडरेशन ने, हमारे आशुतोष सर ने और अध्यक्ष महोदय ने और हमारे सचिव महोदय अनु कुमार जी ने जो ये आयोजन रखा है, इसके लिए मैं दोनों अपने अध्यक्ष महोदय और अपने सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का जन्मदिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया जो मेरठ में ही, यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एथलेटिक को एक प्रोटीन की तरह एक डाइट देता है। एक जैसे एक एथलीट को एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऐसी पूरे हिंदुस्तान एथलीट को ललित कुमार भनोट जैसे प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, क्रिकेट में डालमिया जी ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत ऊंचा उठाया, इसी तरीके से भनोट सर ने एथलेटिक्स को, इंडियन एथलेटिक्स को बहुत ऊंचा उठाया। अब आज मैं सभी से, जितने भी इस समय सेमिनार में जुड़े हुए हैं, इस महोत्सव में जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ललित कुमार भनोट जी का जन्मदिवस मनाने से ही खाली कुछ नहीं होने वाला। ललित कुमार भनोट जी जैसे विचार हर खिलाड़ी के अंदर उत्पन्न होने चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान, सीनियर्स जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और हमारे सचिव महोदय हैं, इनका जो आप अगर इनके विचारों पर चलते रहें तो हमारे मेरठ के एथलेटिक्स बहुत जो एक बड़े स्तर, जो अपना स्तर वो छूना चाहती है उस पर पहुंचेगी। और हर व्यक्ति को अपने अंदर एक ललित कुमार भनोट जैसा व्यक्ति अपने अंदर बनाना पड़ेगा, जो हर समय सिर्फ खेल के लिए, सिर्फ एथलेटिक के बारे में सोचे। मेरी इसमें, मेरे से बड़े लोग भी हैं, मैं उनसे भी, जो मेरे साथी हैं उनसे भी और छोटे हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय मेरठ की एथलेटिक्स बहुत बहुत अच्छे हाथों में है। बड़े जैसे हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है ना, ऐसी जो मेरठ की एशन है वो बहुत अच्छे हाथों में गई हुई है। अब मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे खिलाड़ी, अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे सचिव महोदय के संपर्क में लाओ, हमारे अध्यक्ष महोदय के संपर्क में लाओ, तब उनके द्वारा वो बच्चा हमें मिलेगा, हम उसको ट्रेन करेंगे। आप सिर्फ जन्म दिवस पे उपलब्धता मत जाहिर करो, हर समय अपने क्षेत्र में उपलब्ध करो, एक बच्चे को प्रमोट करो। पैसे से, मैं कई बार कहता हूँ, किसी को 2 रुपए, 100 रुपए, 1,00,000 रुपए देने से कोई वो नहीं मिलने वाला।
आप अगर किसी एक बच्चे को मोटिवेट करके उसका मोरल अप करके अगर उसे कैसे भी खींच तान के चरण तक ले आते हो तो समझो आपने एक पीढ़ी सुधार दी, एक पीढ़ी एक पूरा घर सुधार दिया। क्राइम से बचेगा, शाम को लफड़े नहीं करेगा, शाम को थकार के अपने घर सोएगा, लफड़े नहीं करेगा, क्राइम से बचेगा सबसे पहला और फिट रहेगा। ये हम ये नहीं कह रहे कि वो खिलाड़ी बन जाएगा, ओलंपियन बन जाएगा, फलानी जगह नौकरी पे ले लेगा, कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं वो स्टेडियम आएगा, स्वस्थ रहेगा, और खिलाड़ी का दिमाग बड़ा फिट होता है सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चा जो युवा पीढ़ी है आजकल ऐप की तरफ जाती है, नशे पत्ते कर रही है, गाँव में आज की तारीख में नशा चल रहा है, ये गुटखे बीड़ी सिगरेट के ऐप लगा लिए जवान जवान लड़कों ने, दूसरा और नशों की तरफ और क्राइम की तरफ वो जा रहे हैं। तो अगर आप किसी बच्चे को किसी युवा को खेल से जोड़ेंगे तो जो सुबह और शाम घूमने फिरने का लफड़े करने का समय होता है उस समय वो मैदान में पसीना आ रहा होगा और उसका कोच अच्छी तरह उसे बढ़िया उसकी करके भेजेगा रगड़ाई, तो आप जाके घर पे जाके डाइट खा के सोएगा, कहाँ क्राइम करेगा, कहाँ वो रोडों पे घूमेगा। तो आप ये नहीं कि आप खिलाड़ी बना रहे हैं, आप अपने हिंदुस्तान को क्राइम से बचा रहे हैं, आप नशे से भी दूरी फैला रहे हैं। तो संपर्क आज ये संकल्प ले सभी कि हम दलित कुमार भनोट जी के जन्म दिवस पे संकल्प लेते हैं कि हम कम से कम महीने में एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको खेल की तरफ प्रमोट करेंगे, उसको किसी भी गेम, मैं ये कह रहा हूँ एथलेटिक ही नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसकी कबड्डी की कद काटी है तो इसके कबड्डी के लिए उसे जागरूक करो, उसके हाइट बास्केटबॉल की लगती है कि उसके ये बास्केटबॉल अच्छा खेलेगा तो उसे बास्केटबॉल की सलाह दो। मैं सिर्फ एथलेटिक को बढ़ाने की नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपको लगता है भाई हमारा गेम एथलेटिक्स है तो हम चाहेंगे कि एथलेटिक्स में तो आए, हमारा खेल बढ़े। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा, भाई ये बच्चा तो वेट लिफ्टिंग कर सकता, हाइट छोटी है, मस्कुलर बॉडी है ना, तो भाई बेटा तू वेट लिफ्टिंग कर ले, है ना, हम तेरी कोच से सिफारिश करेंगे, तू ये ट्रेनिंग करवाएंगे, है ना। तो अगर आप महीने आज आज ये सभी संकल्प लो कि ललित कुमार भनोट जी के जन्म दिवस में हम संकल्प लेंगे कि हम हर महीने एक खिलाड़ी, एक बंदे युवा या युवती को, एक लड़के या लड़की को खेल की तरफ प्रमोट करके खिलाड़ी की राह पर चलाएंगे। दूसरा इसी में कई बार मुझसे कहते हैं जी खिलाड़ी कोई उम्र है, नहीं जी खिलाड़ी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूंगा, अन्नू भैया उन्हें बखूबी जानते हैं, बीजी रुड़की में आर्मी में परमजीत शर्मा पटियाला के रहने वाले हैं, अर्जुन अवार्डी, 29 साल की उम्र में सेना में रहते हुए वेटलिफ्टिंग शुरू करी, लगातार 14 साल चैंपियन रहे, नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल कई टूर, अर्जुन अवार्ड जब मिलता आप समझ रहे होंगे उसने कैसा खेल करा होगा बंदे ने। और 29 साल की उम्र में खेल कूद चुनना, जब हमारे यहाँ खेल का एंड खत्म हो चुका है बिल्कुल, उस समय खेल का चुनना, और वेटलिफ्टिंग कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, वजन उठाना, वजन के साथ खेल करना बहुत बड़ी बात होती है, वेटलिफ्टिंग करते हुए और इतने साल लगातार चैंपियनशिप उठानी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लास्ट में सबसे ये कहूँगा कि मेरी आप सब जुड़े, अपना कीमती समय इस महोत्सव के लिए दिया, सबको धन्यवाद। और आज यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तो हर बार यही सबसे रिक्वेस्ट रहती कि एक खिलाड़ी महीने में कम से कम एक तो स्टेडियम भेज दो, एक, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, एक खिलाड़ी आप अन्नू भैया के माध्यम को दे दो, वो हमें देंगे, वो हमें दें, अपने आप कराएं, उनके पास भेज दो, वो कैसे करेंगे वो उनकी जाने, फिर आप उनसे कहने लायक तो हो जाओगे कि हमने खिलाड़ी दिया, आपने कहाँ खिलाया, आप उन्हें भेजो तो सही। मैं वादा करता हूँ अन्नू भैया के हाथ में एक लड़का दो, दो लाके आप एक कोई लड़की अच्छी सी दो दो कि जो हाइटेड हो, मस्कुलर, तगड़ी लड़की हो, तगड़ा लड़का हो, टैलेंटेड हो, आप लाके दो, मैं वादा कर रहा हूँ आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अन्नू भैया वो बच्चा दिया था वो कहाँ है, पक्का वादा कर रहा हूँ, एक साल बाद अन्नू भैया से आप पूछोगे बच्चा कहाँ है, भैया बताएंगे वो जूनियर नेशनल में मेडल दे चुका है। तो बस मेरी तो मैं लास्ट में ये कहूँगा सभी को धन्यवाद, आपने मेरी ये बातें जो मैंने कुछ भी कही हो उनके लिए सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अनु भैया। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से आपने सभी उपस्थित सदस्यों को जिम्मेदारी दी है कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान तक पहुंचाना है, आज हम ये शपथ ली है कि एक खिलाड़ी को मिलकर खेल के मैदान तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं भैया अभी इसी एक चीज और बता दूं सभी को,
अभी मैं पिछले महीने की बता दूं, पिछले महीने अन्नू भैया ने मुझे एक चीज सौंपी कि गौरव तुम गांव देहात की तरफ जाते रहते हो तो मैं तुम्हें एक फोन पे बात होती रहती है लगभग हर दूसरे तीसरे दिन, तो अपने आप ही बोल पड़े कि गांव की तरफ जाते हो क्या करते हो। मैंने कहा भैया गांव की तरफ जाता हूँ, जैसे बच्चे मिलते हैं उन्हें कुछ बता दिया। बोले बच्चे खिलाड़ी तैयार कर रहे हो? मैंने कहा करूंगा। बोले करूंगा क्या, आज से चालू करो? मैंने कहा आज से? मैंने कहा कल से चालू करो। बोले मुझे पल भर की रिपोर्ट चाहिए कितने खिलाड़ी तैयार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन बच्चों को समझाया और वॉकिंग इवेंट जो हमारा लुप्त होता जा रहा, भैया का कहना था उन इवेंटों को पकड़ो जो लुप्त हो रहे हैं, जैसे हैमर थ्रो है, वॉकिंग है, पोल वॉल्ट है, ये वो इवेंट है। बच्चों को ना कोच कराना चाह रहा है और बच्चों को बरगला दिया जाता है, वॉक में तेरी चाल बिगड़ जाएगी, हैमर कौन कराएगा, पोल वॉल्ट में बहुत सिस्टम है कि कौन उसे टेक्निक सिखाएगा। अरे कौन नहीं सिखाएगा, कोच खड़े वो सिखाएंगे? और नहीं है, अगर मैं सब बच्चे भी मौजूद है, अगर कोई अगर गौरव त्यागी आपको ट्रेनिंग नहीं देता तो अन्नू भैया शिकायत करो कि अजी वो फर्जी आदमी है, वो सिखाता नहीं हमको, उसे डांटो। वे मुझे पकड़ेंगे कि वो सिखाता नहीं, आप तो गलत आदमी के पास भेज दिया। मैं तो अन्नू भैया ने मुझसे खुद कहा कि लड़के तैयार करो, लड़कियां तैयार करो, वॉक के लिए तैयार करो, हिमर करो, ऐसे इवेंट करो जो बच्चे साल दो साल में नेशनल मेडलिस्ट बने और अपने बेचारे इंटरनेशनल बने, नौकरी पे लगे और अपने अगले जीवन की तरफ चले। तो जब ऐसा सेक्रेटरी हमें मिला हुआ जो खुद कोच को प्रेशर दे रहा है पीछे से, क्या भाई कल क्या रहा, कहाँ गए, क्या करा, तो मजा जब ही आता, जब हमें भी डर रहेगा कि सेक्रेटरी भी पीछे से करेगा डंडा कि भाई कहाँ है बच्चे, तुम जाते हो गांव क्षेत्र में, कहाँ है तुम फर्जी वाले करते हो, तुम बच्चे तैयार नहीं करे, तब जाके मजा आता ट्रेनिंग में। इसलिए मैं सभी से कहूंगा अगर ऐसे सेक्रेटरी मिले हैं तो लगे रहो चुपचाप और साथ दो पूरा मिलके। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। बड़े भैया हम भी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी दो मिनट लेता हूँ मैं अभी। देखिए हर एक इंसान के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है कि जिससे वो मोटिवेट होता है। आज हम जिनके जन्मदिन को मना रहे हैं उनके विचारों से, उनकी कार्यशैली से, उनके मार्गदर्शन से जो जिम्मेदारी निभा रहा हूं उसमें उन्हीं का योगदान है। इसके अतिरिक्त मेरे अध्यक्ष श्री आशुतोष भल्ला जी समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी मेरे से लेते रहते हैं और मुझे प्रेरित करते रहते हैं, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं विभिन्न प्रकार की चीजों को जन्म देने का कार्य करूं, तो वो मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त श्री पीके श्रीवास्तव जी मेरे सचिव, उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव, जिनके नेतृत्व में मैंने कार्य सीखा, कार्य करना प्रारंभ किया, वो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे किसी महान इंसान का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए भी ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं ऐसे महान व्यक्ति के साथ, ऐसे एक व्यक्तियों के समूह के साथ मुझे ये सब प्रेरणा मिली। 24 घंटे उनके लिए कम है, अगर दिन में 48 घंटे हुआ करते तो वो शायद 48 घंटे ही एथलेटिक्स को सोचा करते, एथलेटिक्स के लिए काम किया करते। तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि मेरे को उनका आशीर्वाद मिला या मेरे को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं से मोटिवेट होते हुए आपको बता दूं कि ये देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, वहां पर मैंने आपको मेरी फोटो दिखाई दे रही होगी, ये सब एथलीट्स, ये बच्चे नहीं थे आप इनको, ये सब एथलीट्स हैं जो मैंने यहाँ पर, जहां मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पर मैंने तैयार किए। हमारे पास चूंकि चारों तरफ सड़क का माहौल था, हमने इनके लिए एक्सरसाइज के लिए, आपने मेरी कई वीडियोस भी देखी होंगी, इनके लिए रबड़ के मैट्स लेकर इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया और लगातार करते जा रहे हैं, नए नए खिलाड़ियों की उत्पत्ति करते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे गॉडफादर डॉक्टर ललित के भनोट जी का है। मैं निवेदन करूंगा श्रीनिवास जी से, जो हमारे
हैदराबाद से जुड़े हुए हैं एकदम से मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है जी भैया हाँ हाँ आवाज आ रही बीच में कनेक्शन कटने से मैं माफी चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा श्रीनिवास जी से, आप अगर मेरी वार्ता समझ रहे हैं सुन रहे हैं तो आप दो शब्द इस प्रोग्राम से संबंधित कहने की कृपा करें। थैंक यू अनुकुमार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू फॉर होस्टिंग दिस मीटिंग। इट इज अवर ड्यूटी टू सेलिब्रेट अवर ग्रेट मेंटर एंड गाइड मिस्टर ललित बनोट सर। I'm very happy to join in this meeting. We have to follow his guidelines and we have to work hard to develop Athletics Federation of India. And thank you one and all. Thank you for joining with this meeting. Thank you, sir. जी थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय दोबारा आ गए हैं, वो बीच में कनेक्टिविटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में जिला एथलेटिक संघ कर रही है और जिनसे मार्गदर्शित होकर हम अपने सभी अभियानों में सफलता की ऊपर पहुंचने की कृपा करते हैं और कोशिश करते हैं, श्री आशुतोष भल्ला जी, जिनको आप सभी अच्छी तरीके से जानते पहचानते भी होंगे कि आपने उन्हीं के इक्विपमेंट्स, उन्हीं के बनाए हुए इक्विपमेंट्स जो वर्ल्ड में अपना नाम बनाए हुए हैं वीनेक्स के नाम से, आप हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिला एथलेटिक संघ के प्रेसिडेंट होने के नाते आप इस मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को दो शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद अनु जी, सबको नमस्कार।
और आज हमारे सर्वप्रिय एथलेटिक्स के पितामह डॉक्टर भनोट सर के जन्मदिन के अवसर पे आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ललित भनोट सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष उनके लिए बहुत ही मंगलमय रहें, हेल्दी रहें और हमारे लायक अगर जो भी छोटी से छोटी भी कार्य बन पड़ेगा वो हम एथलेटिक्स के लिए करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जिला एथलेटिक्स संघ मेरठ ने एक मुहिम चलाई है खेल विश्वविद्यालय को मेरठ में स्थापित कराने के लिए। आप सभी लोगों का हम लोगों को पूर्ण सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से फिर से अपील करना चाहूंगा कि इस अभियान में, मिस्ड कॉल अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि हम खेल विश्वविद्यालय को मेरठ में लाने के लिए कामयाब हो सके। आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद। डॉक्टर ललित भनोट सर को फिर से एक बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी सहायता से जिस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। आपके दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो और आज डॉक्टर ललित भनोट सर के जन्मदिन के अवसर पर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चित तौर पर हम खेल विश्वविद्यालय के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और मिस कॉल अलर्ट को आज के दिन में ही, केवल उनके जन्मदिन के अवसर पर ही, जन्मदिन के दिन ही हम कम से कम प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय हमारे इस मंच पर कम से कम 100 लोगों की मिस कॉल अवश्य हमारे नंबर पर दर्ज कराएंगे और ये प्रतिज्ञा मैंने सभी की तरफ से करी है और निश्चित तौर पर मैं आप लोग इसको ठान लें कि आज कम से कम 100 कॉल्स हमारे उस नंबर पर अवश्य करेगा और जो हमारा ऑनलाइन चल रहा है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो, मेरी आप सभी से ऐसी प्रार्थना है। जयप्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द इस कार्यक्रम से संबंधित अवश्य कहें। जी बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े सभी खेल भावना से ओतप्रोत सीनियर सर एवं सभी लोगों को हमारी हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया के माध्यम से हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, बड़े भैया को भी प्रणाम करते हैं कि आज डॉक्टर श्री ललित भनोट सर जी के जन्म दिवस के पावन शुभ अवसर पर हम सभी को कार्यक्रम के माध्यम से ये मौका उन्होंने प्रदान किया, उसके लिए उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी राष्ट्र प्रेमियों, खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों की ओर से सर श्री डॉक्टर ललित कुमार भनोट जी को जन्मदिन की लखलख बधाइयां एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी बच्चे माँ प्रकृति से सर के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं और आज ये निश्चय करते हैं कि भारत राष्ट्र के गौरव ऊर्जा से ओतप्रोत स्तंभन शक्ति से पूर्ण और विश्व में भारत राष्ट्र के राष्ट्रध्वज को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे डॉक्टर के ललित भनोट सर के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर यह निश्चय करें कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय को अमृत प्रदान कर एक ऐसी स्तंभन शक्ति का हम दृढ़ निश्चय के साथ उपयोग करेंगे जिससे कि आज सर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरी तरीके या हम अपने आप में एक इस ऊर्जा शक्ति का संचार कर पूरी तरीके लगे इस मुहिम में कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो। और बड़े भैया से एक बात रखनी चाहेंगे, छोटे हैं उनके बच्चे हैं, कि अगर हो सके तो आज सर के जन्मदिन के पावन अवसर पर एक ऐसा कोई नंबर भैया चालू करें जिससे कि हम सभी लोग अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन उसमें डाल सकें, जो
कि सरकार तो सारी व्यवस्था कर रही है, फिर भी कुछ बच्चे अगर छूट जाते हैं तो उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से भैया के द्वारा उनका हेल्प हो सके। और छोटी सी एक लाइन है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा शिष्य हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा शिष्य हूँ, लेकिन मुझे यह यकीन है कि जिसके हाथों में मेरे देश के एथलेटिक्स की बागडोर है वह एक अच्छे इंसान है। जय हिंद, जय भारत। सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बड़े भैया को एवं सभी जुड़े हुए खेल प्रेमियों, खेल से उत्पूत सभी बंधुओं को ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भैया, जय हिंद, जय भारत। जयप्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ में आज इस दिन का महत्व तो बढ़ाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपके विचारों और समझकर। और माननीय महोदय जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक नई परंपरा भी शुरू कर रहे हैं आज के दिन में। जी बड़े, हमारे यहाँ पर जितने भी कोचिज, जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं जहां पर खिलाड़ियों को कोचिंग देने का कार्य किया जा रहा है, जी, चाहे वो ऑथराइज्ड कोच के माध्यम से हो या कोई पूर्व खिलाड़ी जो कोचिंग देने का कार्य, खिलाड़ियों को मार्गदर्शित करने का कार्य कर रहा है, उनके माध्यम से भी हम आज एक नई व्यवस्था का प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारी उस व्यवस्था का जो नाम है वो डॉक्टर ललित के भनोट एथलेटिक एकेडमी, और उसके नाम के आगे कोच का नाम जुड़ा जाएगा। और इस नाम से एकेडमीज को हम शुरू कर रहे हैं, और आज पहली एकेडमी जो है वो डॉक्टर ललित के भनोट एथलेटिक एकेडमी गौरव त्यागी के नाम से हम लोग सबसे पहली एकेडमी को मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा जन्म दे रहे हैं। गौरव त्यागी जी, बहुत आपको बहुत भैया धन्यवाद भैया, क्योंकि हमारी एथलेटिक एक्टिविटीज में इतनी महान शख्सियत का नाम जुड़ गया है, तो अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी बन गई है कि आप इस नाम को ऊपर करने के लिए, इस नाम के लिए, इस व्यक्तित्व के लिए अपनी जान लगा देंगे। और निश्चित कितने खिलाड़ी आपके एकेडमीज में होंगे जो लगातार सक्रिय रूप से देश के लिए खेलने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और लगातार अमित तेवतिया भी जो है खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं दूसरी एकेडमी जो है ललित के भनोट एथलेटिक एकेडमी अमित तेवतिया के नाम से देना चाहूंगा, ताकि वो इस क्षेत्र में अपने नाम को स्थापित कर सकें और कार्य को आगे बढ़ा सकें। अमित तेवतिया जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताएं। अमित तेवतिया जी, किसी कारणवश उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार अपनी जिले में एथलेटिक प्रारंभ कर रहे हैं, और आप सभी का पूर्ण सहयोग हमें मिस कॉल के माध्यम से भी चाहिए। ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान, जो सिग्नेचर हमारा जो कैंपेन चल रहा है, उसके माध्यम से भी खिलाड़ी कहीं का भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, बिहार का है, झारखंड का है, राजस्थान का है, केरल का है, महाराष्ट्र का है, कहीं का भी हो, खिलाड़ी की मानसिकता खेल को बढ़ाने वाली व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस अभियान के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर अपने जो हमारा मिस कॉल अभियान है उस मोबाइल नंबर दे रखा है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड आवर कैंपेन्स मोबाइल नंबर, डेट इज 9717514415। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि एटलीस्ट एक बार कॉल करके अवश्य बताएं और हमारी इस मुहिम से अवश्य जुड़ें। बहुत अच्छा लगेगा अगर खेल विश्वविद्यालय यहां बनेगा, और खेल विश्वविद्यालय बनने की वजह से निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि खेल खिलाड़ी को आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में, जो देश की राजधानी है,
लगातार भीड़ आ रही है पॉल्यूशन की वजह से। पिछली बार 2 महीने तक बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाई। मेरठ बिल्कुल स्वच्छ जगह है। मेरठ में जहां पर ये खेल विश्वविद्यालय बात बनाने की बात की जा रही है, वहां से 3 किलोमीटर पर एयरपोर्ट है, 4 किलोमीटर पर रैपिड रेल है, रेलवे स्टेशन है, 2.5 किलोमीटर पर एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली से जोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर वहां पर स्थापित होगा। खिलाड़ियों के खेल से संबंधित रिसर्च का कार्यक्रम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में हमारे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने का एक अवसर मिलेगा। तो आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि आप हर एक सदस्य जो इस समय मंच पर तो हमारी इस वार्ता को सुनने का कार्य कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष भल्ला जी के नेतृत्व में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि एक मिस कॉल डॉक्टर ललित भनोट सर के जन्मदिन के अवसर पर हमारे इस नंबर पर अवश्य दें और कम से कम ये कोशिश करें कि 100 लोगों के कॉल आज इस नंबर पर जरूर, ताकि आज का दिन हमारे को हमेशा याद रहे कि हमने इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या कार्य किया। जिला एथलेटिक संघ ने 2 कार्य किए। सबसे पहला कार्य खेल विश्वविद्यालय से संबंधित मोबाइल के द्वारा मिस कॉल देने का अभियान। दूसरा कार्य अपनी एथलेटिक एकेडमी का नाम डॉक्टर ललित के भनोट एथलेटिक एकेडमी, और हमने 2 एकेडमी को जो है इस समय स्वीकृत भी कर दिया है, जिसमें पहली एकेडमी गौरव त्यागी जी को है जो जिला एथलेटिक संघ के कोच भी हैं, और एकेडमी हमारी अमित तेवतिया जी के लिए दी है। और इसके अलावा जो लोग भी हमारे को अप्लाई करना चाहें, आपके लिए 24 घंटे मेरा नंबर उपलब्ध है, मेरे से संपर्क आप स्थापित कर सकते हैं और हम लोग एथलेटिक एकेडमीज को देने का कार्य करेंगे। कुछ जिम्मेदारियां होंगी जिन्हें परिपूर्ण आपको करना होगा और जिनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना, उनको निभाने की कोशिश कीजिएगा और खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का एक सक्रिय रूप से कार्य कीजिएगा। और अब आपको एक जिला एथलेटिक संघ की तरफ से एक पहचान मिलेगी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको एक मान्यता मिलेगी और आपको लोग पहचानने का कार्य करेंगे जिला एथलेटिक संघ के माध्यम से। यदि किसी और को कोई शब्द कहने हैं तो मैं निवेदन करूंगा। अच्छा, राजस्थान से हमारे प्रवीण सिंह जी भी उपस्थित हैं उदयपुर से। मैं प्रवीण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में हमें अपने विचार करें। प्रवीण सिंह जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर आपने बहुत अच्छा इवेंट रखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी 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 सर, ये बहुत अच्छा इवेंट रखा सर आपने और अच्छा लगा मेरे को। और आपके जो ये मिस कॉल वाला है ये भी अच्छा लगा कि आपने जो खेल संबंधित और सर के नाम से ही एकेडमी चालू किया है, और मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कार्रवाई आगे बढ़े। और तो क्या बोले सर, सर की तरफ। थैंक यू जी। प्रवीण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। इस देश केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित है, इसके अलावा तमिलनाडु में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय के नाम से गुजरात में उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अभी तक कोई भी खेल विश्वविद्यालय की बात नहीं हुई है। दिल्ली के लिए प्रस्तावित है परंतु अभी तक वहां पर क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, एक विषय है। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा करी है अब से 2 महीने पहले कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आप लोगों का सभी का साथ चाहिए। आप जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर को, हमारे मिस कॉल नंबर को शेयर करें। आप कहीं से भी हो, खिलाड़ी को मिलेगा, खिलाड़ी को तो खेलने का अवसर मिलेगा, उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप कहीं से भी हो, किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी क्षेत्र से हो,
आप सिर्फ मिस कॉल देने का कार्य कीजिएगा। आपका एक कॉल हमारी शक्ति को मजबूत करेगा और हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मैं निवेदन करूंगा, नीरज आप हैं क्या? नीरज लाइन पर हैं आप? यदि किसी और वक्ता को कोई इस कार्यक्रम से संबंधित कोई अपने विचार रखने की विचार रखने चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको। जी भैया, हेलो जी। नीरज जी, आप इस कार्यक्रम से संबंधित दो शब्द अवश्य कहें, क्योंकि आप बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। बिहार एथलेटिक संघ के साथ में आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भी आपने बहुत लंबे समय कार्य किया है और अभी वर्तमान में भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं। आप दो शब्द अवश्य कहें, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस को किस दृष्टि के साथ में अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं भैया। नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को थोड़ा पास से बोलें। हेलो जी। भैया सबसे पहले तो हम मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पावन दिन पे भारत के विश्व के महान शख्सियत डॉक्टर ललित के बेनोट सर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जिला संस्था है जो कि मेरे नज़र से आज सर का बर्थडे विश कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम डॉक्टर ललित के बेनोट सर को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और दूसरी बात है कि सर और आपका सहयोग हमें बहुत ही मिला है, लगभग 2010 से आपके सहयोग के कारण हमने बहुत सारे मीट में ऑफिशियल का काम किया, सर का भी सहयोग रहा है। इस अवसर पर सर को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिवस पे और ईश्वर से कामना करते हैं कि सर का दिन आने वाला भविष्य बहुत ही मंगलमय हो। और भैया आपने जो अभियान चलाया है एक विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, ये आपका सपना आपका ही सपना नहीं है भैया, ये हर एक खिलाड़ी का सपना है जो जरूर भविष्य में साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमें मौका देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, आप जिस तरीके से सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करे और हमारे भनोट सर का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहे और उनकी कार्यशैली से आप हमेशा प्रेरित होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कांबले जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम से संबंधित दो शब्द अवश्य हैं। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए आपको। हेलो जी। यस सर, अनुकुमार सर आप जो काम कर रहे हैं सो महाराष्ट्र की ओर से हम आपके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन का आप जो आपका सपना है कि जो विश्वविद्यालय बनाने का वो 100% पूरा हो जाएगा महाराष्ट्र की ओर से और पूरे इंडिया की ओर से। मैं संजय कांबले स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ इंडिया साई का स्टूडेंट रहने की वजह से और आपके साथ 10 साल से जुड़ा हुआ है। आप जो हिसाब से काम कर रहे हैं और आपने जो एथलेटिक्स को बड़े लेवल पे एक्सपोज किया है उसका क्रेडिट आपको जाता है। और आपके माध्यम से आज जो आप ललित भनोट सर के बर्थडे के दिन ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सो ललित सर जो अभी साउथ एशियन गेम के प्रेसिडेंट है सर आपके साथ 100% रहेंगे और महाराष्ट्र के साथ पूरे इंडिया के 32 states और पूरे एथलीट आपके साथ है सर। विश ऑल द बेस्ट और आप जो काम कर रहे भगवान आपको अच्छा लाइफ दे और आपका सपना सब हमारे साथ अपन पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांबले साहब आपसे मैं निवेदन करूंगा एक कॉल और प्लस आपके सभी मिलने वालों की हमारे इस मिस कॉल पर अवश्य आए। अनुज सर 100% पक्का, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है सर। जी साहब बहुत धन्यवाद। मैं राज बिहारी जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम से संबंधित दो शब्द अवश्य कहें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
राज प्यारी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कोच हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आई है। नहीं आ रही है सर आपकी आवाज। यदि आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पर एक ऑप्शन होता है मोबाइल की कनेक्टिविटी करने के लिए। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का कि आपने लगातार मिस कॉल करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, और लगभग 100 से ज्यादा मिस कॉल अभी तक मेरे नंबर पर आ चुकी हैं क्योंकि नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी राजबिहारी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, शायद सेटिंग्स में कुछ इशू है, आप एक बार सेटिंग्स चेक कर लें। तब तक मैं श्री निर्मल कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और अपने विचार इस मंच पर अवश्य रखें। निर्मल कुमार जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सब। निर्मल कुमार जी आपकी आवाज आ रही है। मैं ललित भलो साहब, जो थोड़ा माइक को पास से बोलिए सर, माइक के पास से बोल दीजिए। ललित भलो साहब जिनका जन्मदिन 31 जुलाई को है, मैं उनसे करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो YMCA एथलेटिक्स गेम खेलकूद कराते थे तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ सर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी कम से कम 50 वर्ष और जीवित रहे जिससे खेल एथलेटिक्स का भविष्य सुधर जाए। अभी धीरे धीरे वो सुधार रहे हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसके कारण वो आगे की ओर लेके जा रहे हैं और इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद अनु सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं निवेदन करूंगा राम जी से कि आप इस कार्यक्रम से संबंधित दो शब्द अवश्य कहें। हेलो, आपका माइक खोल लीजिए। जी राम रतन सिंह जी। आवाज मेरा थोड़ा कम जाएगा सर, मैं पिछले एक सप्ताह से बुखार से ग्रसित था। जी जी सर, आज थोड़ा 97 है बुखार, थोड़ा कम है। तो सबसे पहले मैं सर इस सफल आयोजन के लिए आपको धन्यवाद दूं जिसमें हमारे महान डॉक्टर ललित के ब्लॉक था, आपके जन्मदिन का आयोजन आपने किया। इसके लिए आपको बिहार के खिलाड़ियों की तरफ से, बिहार के कोचेस के तरफ से, और मैं यहाँ बिहार खेल संघ भी है जिसका मैं सचिव भी हूँ, तो बिहार खेल संघ की ओर से भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बनौर साहब में एक चीज है कि आप उनके वो उनका ये क्या बोला जाए, उनके द्वार पर जो भी हाथ खाली हाथ वापस नहीं आता है। ये मेरे साथ हाल ही में एक केस हुआ है, एक दो केस ऐसा हुआ है। अभी साई का जो क्लास चल रहा था उस क्लास में हमने बीच में एक लैंग्वेज बोल दिया था कि सम टाइम प्लीज टॉक इन हिंदी, तो उसके लिए वहां से हमें रिमूव कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब हम ब्लॉक साहब को मैसेज किए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमने ये मैसेज बोला था इसके कारण हमें वहां से रिमूव कर दिया गया है, तो बोले ओके आई विल ट्राई। और मैं देखा कि 15-20 मिनट के बाद फिर हमारा वो कनेक्ट कर दिया गया। ये हम तो मनोज साहब के बहुत उस दिन से
हमारे मतलब हमको एज ए गॉड महसूस करते हैं और अब ये समझते हैं कि उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं वापस जाता है। और इस अवसर पे और क्या बोले, आपको ढेर सारे शुभकामना देते हैं और आपके जो का जो नंबर है उसमें हम हमारा भी एक एकेडमी है पाटलिपुत्र एथलेटिक एकेडमी, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा वो सभी मिस कॉल मारने के लिए अपने ग्रुप में डाल दूंगा आपका नंबर ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका ये और हमसे जो भी सहयोग होगा इस आपका जो वो खेल यूनिवर्सिटी बनाने में मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सबसे पहले कि आप बहुत जल्द सही करें और दोबारा से स्वस्थ खेल के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ जाएं। और बिल्कुल आपने सत्य कहा, डॉक्टर ललित भनोट सर के जो शिक्षा लेकर गया है कभी निराश होकर नहीं लौटा, ये मेरा बहुत बार व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से इस चीज के लिए देखा है। किसी को अपने दरवाजे से, ऑफिस से, फोन से कभी किसी को निराश नहीं किया है, हमेशा उनको आशान्वित होकर ही किया है, वो खिलाड़ी के रूप में हो, खेल प्रेमी के रूप में हो, कि कोई उनके दरवाजे से निराश होकर गया। राज बिहारी सर, आपका यदि नंबर शुरू हो गया है, आवाज आ रही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द अवश्य कहें। नहीं सर, आपके कुछ इशू है जिसकी वजह से आप की आवाज नहीं आ पा रही है, नहीं आ रही है सर आवाज। कुछ इशू है जिसकी वजह से सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं निवेदन करूंगा मृत्युंजय राय जी से, आप बहुत सीनियर टेक्निकल ऑफिशियल हैं, कोच हैं और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आप एथलेटिक्स के कोच भी हैं। राज प्यारी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मृत्युंजय जी आप बोलिए, थोड़ा दो शब्द बोलिए इस संबंध में जी। जी मृत्युंजय जी, सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छे कार्य के लिए कि एक आपने सोचा कि मेरठ में स्पोर्ट्स हॉस्टल होना चाहिए, स्पोर्ट्स कॉलेज भी होना चाहिए और आज अच्छा दिन है कि ललित मनोज जी का अवसर पे आपने मिस कॉल अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाया। अनु सर के योगदान से ही सारे लोग एक मंच पे इकट्ठा है, डॉक्टर ललित मनोज जी के जन्मदिन को अच्छी तरह से मना ले और उनके लिए और अपने उत्तर प्रदेश के लिए विश्वविद्यालय का आह्वान भी आज हो जाए यहीं से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी और हमारी मुहिम में अपने आप को शामिल करें, अपने मित्रों को, परिवारजनों को शामिल करने की कृपा करें, तभी हम सच्ची तरीके से उनके जन्म पाएंगे जी। एक मोबाइल है ओप्पो A37FW, मैं निवेदन करूंगा आपसे और क्योंकि लगातार आपके पास में बच्चे भी खड़े हुए हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में दो शब्द कहें और अपना नाम अवश्य बताएं क्योंकि आपका नाम मोबाइल पर नहीं दिख रहा है। सर मेरा नाम रामपत मीणा है, मैं सर एथलेटिक कोच हूँ, अलवर से हूँ, राजस्थान से हूँ और बच्चों को जी यही स्कूल में, ग्रामीण में स्कूल है सर, यही बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ, एथलेटिक से हूँ मैं। और सर इस भव्य आयोजन के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये खेल यूनिवर्सिटी का जो किया है सर खिलाड़ियों के हित में, हम बहुत इम्प्रेस हैं और मैं सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ बनोट साहब के जन्मदिन पर कि आपने एक इतना भव्य आयोजन किया, धन्यवाद सर। रामपत मीणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अलवर हमेशा जाता रहा हूँ और मेरा एक रिकॉर्ड भी है कि जब बारिश नहीं होती है तो मैं जब भी अलवर गया तो बारिश जरूर हुई, क्योंकि प्रत्येक वर्ष राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन वहां पर एक अपनी आयोजित करती है, क्योंकि आप बहुत आयोजन करता है
है ना, तो बारिश अवश्य होती है अलवर में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बगैर बारिश के वहां से लौट कर आया हूँ। नहीं सर, बारिश से खेल अंचल में एथलेटिक्स को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, खेल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के भीष्म ललित के भनोट जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और आपसे निवेदन करूंगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलने का कार्य करें और खेल को बढ़ाने का आगे कार्य करें। और निवेदन करूंगा कि आप स्वयं और आपके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माता पिता और आपके सर्किल, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमारे खेल विश्वविद्यालय की आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया दो शब्द कहना चाहेंगे। हाँ जी, जयप्रकाश जी बोलिए। खेल भावना से ओत आज हम सभी डॉक्टर के ललित भनोट सर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज जिस तरीके एकत्रित हुए हैं, आज ये पूरी तरीके वो संभावना पूर्ण हो रही है। जिस तरीके समंदर पूरी दुनिया को पानी पहुंचाता है, सभी के पास समंदर नहीं है, दो मिनट का है भाई साहब, जिस तरीके समंदर पूरी दुनिया को पानी पहुंचाता है, वाष्पीकरण के द्वारा जो बादल बनता है हर जगह, मरुस्थल में भी बरसता है, खेतों में भी और बाग में, पहाड़ों के गर्मियों के दिनों में नदियों के द्वारा पूरी दुनिया को पानी देता है। उसी तरीके भनोट सर भारत राष्ट्र के खेत को संजोर कर उन्होंने खोज करने के लिए हम सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आसानी से मेरठ विश्वविद्यालय के लिए लोगों को मौखिक बताने पर ज्यादा हमारे अपने लोग इन मिसकॉल्स नंबर का प्रयोग कर और अपनी एक अच्छी भारत के नागरिक होने की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी, बहुत धन्यवाद जी। मैं फिर निवेदन करूंगा हमारे रास बिहारी मंडल जी से कि अगर आपने, क्योंकि दोबारा से ज्वाइन किया है, यदि आपका माइक सही हो गया है तो आप दो शब्द अवश्य कहें। रास बिहारी मंडल जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मेरी तरफ से तो परमिशन है आपको। जी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तरफ से तो मैंने कर रखा है। जी जी शायद आपका सेटिंग ऑन नहीं है रामपत जी। रास बिहारी जी आपका सेटिंग्स में आपने ऑडियो को सेट नहीं किया है, ऑडियो को ऑन नहीं किया है, जिस वजह से आपकी मैं परमिशन खोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी को खोल के चेक किया है और उसमें वो हुए भी हैं, सब लोग एक्टिव भी हुए हैं जी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को।
अब काफी लंबा कार्यक्रम हो गया है, मैं अब आप सभी से फिर पुनः अवश्य प्रार्थना करें हमारे महामहिम देश के गौरव भारतीय एथलेटिक संघ की पहचान और हमारे मार्गदर्शक के भनोट जी के लिए कि वो जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं इस मीटिंग को अब यहाँ पर समाप्त करने की कृपा करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हुए मैं माफी चाहता हूँ, किसी कारणवश आपसे बातचीत नहीं हो पाई और बहुत बहुत आ गई आपकी आवाज आ गई, देखिए दो शब्द अवश्य कहिए जी। आई एम द लास्ट मैन सो फार। अच्छा ऐसे बात है कि मैं थाई की कोच है, 1985 में ज्वाइंट किए हैं, इसके बाद मैंने पटियाला में एमएस पढ़ने गया था 98, 99 और 2000 तक मैंने वहाँ रहे। इसी बीच में 99 में हम सर से मिले थे एक मीटिंग पर, और सारी सीनियर एथलेटिक कोचेस और स्टाफ को लेके और टीचिंग स्टाफ को लेकर उन्होंने एक मीटिंग किया। उस मीटिंग में मैंने पहली बार उनको देख के उनका बातचीत करके उनका जो व्यूज है उनका जो फिलोसफी है वो जैसे कि देश का पिता की तरह लगा कि एक देश में एक बच्चे को कैसे परफॉर्मेंस दिला के और देश का झंडा को ऊपर चढ़ाने का उनका जो अंदर में जो वो जोश है वो जोश उनका अंदर में मैंने देखा। इसके बाद मैंने वहां से एमएस करने के बाद चले आए अपना वेस्ट बंगाल का कलकत्ता जोन में हमने ज्वाइन किया। आज ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे सर जी का बर्थडे का जब इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से हमारे पास आया तो मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने पूरा टाइम लगाकर आपका सारी चीजें हमने सुने, सारी बातें हमने अटेंड किए। मैंने खुद की तरफ से बहुत एप्रिशिएट हुआ हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि एक देश में हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत बहुत कमी है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं भी चाहते थे कि मैं भी पीएचडी कर लें, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ मिला, कहाँ चेन्नई बोले, कहाँ मणिपुर, बंगाल से कितनी कितनी दूर, कहाँ गुजरात। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी छोड़ के साई कोचेस को जो मास्टर डिग्री किए हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से उसको पीएचडी करना बड़ा तकलीफ होता है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर कोई पीएचडी करे तो उसका पीएचडी का जो काम होगा उसका जो थीसिस होगा वो थीसिस का क्वालिटी बहुत हाई होता है। इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि ओनू जी आपने बहुत ही अच्छा स्टेप लिए हैं। ये आप अकेले नहीं, ऐसे ओनू जी और कई सभी स्टेट में काम करने लगे, और हमारे गुरुजी ललित भानोट डॉक्टर सर जी उन्होंने सभी स्टेट में उनका इम्प्रेशन इतना ही हो जितना आपकी स्टेट में है। सभी स्टेट में एक एक भानोट सर होना चाहिए। सो एट द एंड मैं अपना तरफ से मैं अपना एरिया का बारे में थोड़ी बताएंगे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, और भानोट सर को जरूर हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, मेरे कन्वे कर देना। मैं लेवल 2 भी कर चुका हूँ, भानोट जी का अप्रिशिएट किए और उन्होंने मेरे को विदेश भी भेजे, वहाँ से मैंने लेवल 2 का कोर्स भी कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर 1000 मीटर हाई अल्टीट्यूड सोना बड़ा कोरापुट का एक 400 मीटर ट्रैक बना रहा हूँ, उसमें अभी प्रपोजल है सिंथेटिक बनाने का, फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 400 मीटर अभी मिट्टी का जो ग्राउंड है उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दिए हम लोग,
बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। साल भर 21 डिग्री से लेके आपको गर्मी का सीजन में हार्डली 24 डिग्री 25 डिग्री तक टेम्परेचर साल भर रहता है। तो इतनी अच्छा वेदर है, इतनी हाई एल्टीट्यूड है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। मैंने नोबिस लड़का को यहाँ ट्रेनिंग करा के 2 नेशनल मेडल दे चुका हूँ। और यहाँ का जो हाल है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये एथलेटिक्स का ऊपर बहुत बहुत उन लोग कंसंट्रेट किए हैं। और मेरे ख्याल यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे सेंटर इन फ्यूचर हम लोग बना सकते हैं। आप लोग अगर हमारी टेलीफोन नंबर लेके हमारे साथ कोई संयोग रखें, या मेरे और 1 साल बाकी है रिटायर होने में, इसके बावजूद मैं यहाँ के साथ कनेक्शन रख सकता हूँ कि इंडिया का एक बेस्ट सेंटर हो सकता है। इतनी अप डाउन की भी है, हिल रनिंग की भी है, रोड का भी बहुत अच्छा है, मैराथन रनर के लिए बहुत अच्छा एरिया होगा, बहुत जंगल भी है, इतनी सिचुएशन इतनी अच्छे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए। मैं एक कोच होते हुए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूँ बाय द वे। सो दिस मच एनफ, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेनी मेनी थैंक्स टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मी, थैंक यू वेरी मच ओनू जी, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर भानोट, धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच सर, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भानोट सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको हजारों साल साल के 50,000 जी। एक और नंबर दे देते हैं जी फिर से डिस्प्ले पे जी। सर मैं देता हूँ सर, एक सेकंड साहब, हम लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे जी। सर मैं एक सेकंड देता हूँ, जी सर मैंने पर दे दिया है। सर राजबिहारी सर ने भी कहा कि खेल विश्वविद्यालय की बहुत विशेषताएं हैं, और अब चूंकि वार्ता समाप्त हो गई है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी आज की लाइव वीडियो को, जो फेसबुक पर लाइव भी रही है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वार्ता और हमारा ये जन्मदिन मनाने का जो कार्यक्रम है पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे विचार में रामरतन सिंह सर आपने नोट कर लिया होगा। यस सर स्टिल जी सर, अब मैं बंद करता हूँ सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, जय हिंद भैया, बहुत बहुत।